गुड इवनिंग गाइज, मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है, बस थोड़ी सी मार्केट में मार्केट करके आती हूँ, थोड़ा बहुत सामान लेके आती हूँ, अगर मिल गया तो वो सामान मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, और नहीं मिला तो कोई हो ही नहीं है। चलिए मैं मार्केट होके आती हूँ। बस गई हमारे पास में ही मार्केट है गाइस, जी बस पास में ही मार्केट है, वहाँ पे ही जा रहे हैं, चेतन और मैं जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है। आगे देखिए है क्या, देखिए गाने की ड्रेस कर अभी सब, तो आप पहले देख के चप्पल देख लो ना, बस हल्की सी बनी हो अच्छा ठीक है। हाँ ये ना इधर आ जाओ, अरे मैं बता रही हूँ ना, देख हाँ भैया इसके लिए चप्पल दिखाओगे क्या मिलेगी, कहाँ है मुझे आए, हेलो फ्रेंड्स, मुझे आए, काफ़ी देर हो गई है, मेरा खाना पीना सब हो गया है, डिनर सब बन गया है मेरा, और अब 10:15 बज रहे हैं रात के। आज मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और सुबह बनाई थी दम आलू की सब्ज़ी, बड़ी टेस्टी बनी थी, और मैं मार्केट से बहुत लेट आई थी, काफ़ी देर पहले आ चुकी हूँ और मैं मार्केट से बहुत लेट आई थी, इसलिए कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन देखो मेरे सारी किचन वगैरह सब काम हो गया है, बर्तन वगैरह सब काम हो गए मेरे, बर्तन भी धो दिए हैं मैंने, ये सूख जाएंगे जब पानी निकल जाएगा इनमें से, सिक जब लगा दूंगी बर्तनों को, और ये सिंक वगैरह सब साफ़ हो गए हैं मेरी, तो बस अब गाइज, और मैं लेने की आ गई थी और मुझे कुछ और ही मिला, तो गाइज देखो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ गई, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, देखो एकदम अच्छा लगता है रात के टाइम थोड़ी देर के लिए बाहर बालकनी में आ जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं बालकनी में आ गई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और देखो मैंने ये अभी कपड़े धो के डाले, अभी डाले हैं मैंने ये कपड़े, सारे कपड़े अभी डाले थे मैंने, अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे, वैसे मशीन के कपड़े हैं सूख जाएंगे जब मैं इनको अंदर ही ले जाऊँगी, बाहर नहीं रखूँगी इनको, तो अभी तो बस थोड़े थोड़े से सीले सीले से हल्के हल्के से तो सूख जाएंगे, लेकिन यह मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गई,
एकदम गली बिल्कुल सुनसान हो रही है यहाँ पे, देखो बिल्कुल सुनसान। कहते ना ये परिंदा भी नहीं हिल रहा है, पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं, बिल्कुल सुनसान हुई पड़ी है गली। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाहर आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। बस मेरा भी ही काम होया था थोड़ी देर पहले ही, बस खाना पाना बना लिया था मैंने। बस बहुत लेट आई थी मैं मार्केट से कम 8:30 बजे की समथिंग आई थी। तो मैं आपसे जब भी इसी कोई रेसिपी नहीं थी, आप लोग अगर कहोगे मुझे कमेंट करके तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मुझे आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे बात करने लग जाती हूँ। और बस यही बातें थी। और तो गाइस देखो, ये मैं कुशन कवर लेके आई थी, देखिए कुशन कवर लेके आई थी, तो आप बताना कैसे लग रहे हैं। देखो ये 5 रंग के कुशन कवर है, देखिए एक तो ये रेड कलर का है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप कमेंट करके बताना कैसे लगे। देखो और एक ये है येलो कलर में है, मतलब एक वैसा था लेमन वाला येलो वो वाला कलर का है। और एक ये है एक येलो, ये भी येलो में है, ये डार्क येलो में है, मतलब डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। 5 है ये इस तरह के, 2 एक ये ग्रीन है। देखो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मेरे ये कुशन के कवर कैसे लगे। और मैं लेके नहीं, जी हाँ मैं पहले के रखे थे मेरे, फिर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ये जब भी कोई त्यौहार वगैरह होता है ना जब ही दिखाती हूँ मैं इनको, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो चलिए और फिर बस मैं यही दिखा रही थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसे लगे। बहुत गर्मी भी हो रही है इधर तो। तो गाइस पता है मैं क्या लेने गई थी आज, लेने तो मार्केट में कुछ और ही गई थी लेने के लिए, सही बात कहूँ तो, और लेकर कुछ और आ गई। वैसे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे ये क्वेश्चन कवर लगे कैसे आप लोगों को, एक बार जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे वाले, इसलिए मैं लेके आई थी। मैं ये लेने के तो मैं सोची ये बड़े में आ जाएंगे, लेकिन ये छोटी वाली गद्दियों में आए थे इसलिए मैं इनको छोटी में ही डाला, लेकिन सुंदर बड़े हैं। पर इनमें चैन नहीं है, बस एक इसमें कमी है चैन नहीं, लेकिन हाँ ये इस पर फिट हो गए ना तो चैन निकलती भी नहीं है इनकी, अच्छी है। और बस ये 5 ही कवर हैं इनकी, तो यही लेके आई थी मैं। और लेने क्या गई थी, हाँ सही बताऊँ तो मैं चेतन की स्लीपर लेने गई थी और इसके पापा की स्लीपर लेने गई थी। वो तो मिली नहीं जिस दुकान पे हम गए थे, तो बस फिर हम आ गए। फिर हमने वहाँ पे ना ये कान्हा जी की ड्रेस देखी, देखो ये मैं फर्स्ट बार लेके आई हूँ कान्हा जी की ड्रेस, क्योंकि मेरे पास ना छोटे से कान्हा जी बैठे हैं पालने में, छोटे से कान्हा जी इतने से हैं। मैंने कहा चल ले लेती हूँ, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने कहा आएगी तो उसको पहना दूँगी ऐसे करके, उनके हाथ भी नीचे होगा पर उनको पहना दूँगी। और ये उनके आसन मतलब बिछाते हैं ना उसका वो है ये, और ये मैं इसका लेके आई थी सिंहासन। देखो ये कमेंट करके बताना कि कैसे लगी, मैंने तो अपनी जन्माष्टमी की तैयारी कर ली है, आप लोग बताना आप लोगों ने करी या नहीं करी, और मुझे कमेंट करके बताना मेरे ये कैसे लगा। और मैं ये सब चीज़ ना फर्स्ट बार लेके आई हूँ, पहले कभी नहीं लेके आई हूँ, और तो मैं फर्स्ट बार ले ली। चेतन ने बोला था मम्मी ये ले लो, तो मैंने ये ले ली, मुझे अच्छे लगे, इसके बोलने से नहीं मुझे खुद को अच्छे लगे थे, लेके आई मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलो उसमें झूल पालने में इनको बैठा के ऐसे बैठा देंगे तो अच्छी लगेंगे, तो मैं इसको ले आई। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कैसे लगे हैं ये मेरे। तो चलिए बस मैं यही कह रही थी लेने क्या गई थी और मुझे मिला क्या, और मैं ये ले आई, और बस यही बात शेयर करनी थी मुझे आप लोगों के साथ। अभी मैं थोड़े से कपड़ों की तय भी करूँगी, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे पड़े हैं, धोए हैं मैंने अभी आपको दिखाया था, कपड़े मेरे सूख रहे हैं, थोड़े से पीछे सूख रहे हैं कपड़े, बस यही दिखाया यही बताना था मुझे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। और देखो मुस्कान पड़ रही है अभी, और चेतन यहाँ आके बैठ गया, मैं भी पढ़ा है ये, इसको कह बोल दो पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़िएगा और फिर आ जाएगा। तो बस ये, और मेरा सारा खाना पानी सब हो चुका है वैसे तो, अब बस बैठूंगी थोड़ी देर, कपड़ों की तय लगाऊंगी और थोड़ी सी मेहंदी लगाऊंगी, कल जन्माष्टमी है ना, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और सब लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे मनाई, और मैं भी आपको ब्लॉग बन अब मैं भी आपको दिखाऊंगी मैंने अपनी यहाँ पे जन्माष्टमी कैसे बनती है वो, और आप लोग भी बताना कैसे बनती है, यूपी के हैं वो भी बताना कैसे बनाई, और सारे मतलब जहाँ पे के भी लोग हैं वहाँ के सब लोग बताना। मैं तो खैर राजस्थान से हूँ, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ती हूँ मैं तो, मतलब राजस्थान में ही आती हूँ मैं तो,
आप लोग अगर मुझे कमेंट में बताना भी आप लोग कैसे जन्माष्टमी बनाते हैं। तो बस यही बातें शेयर करनी थी मुझे आप लोगों के साथ। अब मैं थोड़ी सी देर कपड़े की तय लगाऊंगी, थोड़ा सा देखूंगी लगाऊंगी तो लगाऊंगी, नहीं तो सुबह लगा दूंगी, कोई नहीं अभी थोड़े सीले सीले से हैं वो सूख जाएंगे सुबह तक, इसलिए इसी पन्नी दे दे तो मैं इनको इसी पन्नी में पैक कर देती हूँ। तो पन्नी में ही लेके आई थी मैं इनको, तो पन्नी में ही पैक करके रख देती हूँ, अच्छी लगती है। तो कल ही खोलूँगी ना जब कान्हा जी को बैठाऊँगी कभी तो कभी इनको खोलूँगी, उसी में ही अपनी सारी चीज़ें रख देती हूँ। और बस मैं एक ही ड्रेस लेके आई, ज़्यादा ड्रेस नहीं लेके आई क्योंकि मुझे इनके बारे में नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा। सही बात बताऊँ तो मुझे इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, मैं पहली बार ही लेके आई हूँ। इनको अच्छे से अब करूँगी, देख रखूँगी करूँगी, अगर उन पर ये फिट आ गई नहीं ड्रेस तो मैं फिर और लेके आऊँगी, उससे पहले नहीं लेके आई, इसीलिए लेके आई थी। नहीं आई तो मैं इनका वो भी होता है ना मुकुट, वो इनके सिर पे नहीं आता, बहुत छोटा छोटे से है, इतने से हैं इसलिए फिर लेके नहीं आई, नहीं तो मुकुट का भी बहुत मन कर रहा था लेने के लिए। चलो कोई नहीं, जब कभी बड़े वाले लाएंगे तो सब लेके आएंगे हम। तो बस आप लोग मेरे, अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है ना, आप लोग मेरी वीडियो को कमेंट दिया करो, लाइक करा करो और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई नई वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। और ये भी बताइए मेरी वीडियो में क्या कमी है क्या कमी नहीं है, तो आप लोग जब तक नहीं बताओगे तो मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूव कैसे करूँगी। आप लोग मुझे बताइए कि मेरी वीडियो में ये कमी है तो मैं उसको वीडियो, ये कमी है तो मैं इस वीडियो में इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आप बस मैं यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, तो और यहीं अपने वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। अब मैं सोने का टाइम हो गया, अभी मैं दिखाती हूँ यही इससे चेतन, देखो ये बैठ लेटा हुआ मेरे पास, ये चेतन लेटा हुआ है और इस देखो मुस्कान पड़ रही होगी, गर्मी बहुत हो रही है, देखो मैं दिखाती हूँ, मुस्कान पड़ रही है और उसके पापा सो गया है। ये मुस्कान देखो, मुस्कान ये पड़ रही है, ये मुस्कान इधर पढ़ने में लग रही है और इसके पापा वहाँ सो गए हैं, उसके पापा खाना खा के ही सो गए थे जब ही बस पड़ गया, कोई बात नहीं, इसके पापा सो गए, अंधेरा लाइट बंद हो गया सो गए हैं इसके पापा, और चेतन भी अब सोने के लिए चला गया है। और ये हमने मॉस्किटो चलाए हुए हैं, गुड नाइट कर दो, ये सो गए। और देखो हमारा मैक्स ना ऐसे ही सोता है, ये इसको हम कितने भी बिस्तर पर सुला दें गर्मी गर्मी तो बिल्कुल नहीं सोएगा, और सर्दियों में किसी को अपने बिस्तर के हाथ भी नहीं लगाने देता है, जो भी कोई इसके बिस्तर को हाथ लगा देता है ना उससे गुर्राता है ये, और गर्मी में बिल्कुल भी नहीं सोता है, और बेड पे चढ़ जाता है ना बेड पे तो पढ़ने का नाम ही नहीं लेता, बिल्कुल भी नाम नहीं लेता है ये, गुर्राता है सबको, भगा देता है सबको, ऐसे करता है ये। पर है बड़ा बेचारा, बड़ा सीधा है हमारा ये डॉगी, बहुत ही ज़्यादा सीधा है ये डॉगी, कितना सीधा है बस पूछो मत, जिसकी कोई हद नहीं है कहते हैं ना, कितना सीधा है। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ, अगर मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और नए नए और मेरे वीडियो को कमेंट देना भाई क्या कमी है मेरी वीडियो में। चलो मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बाय।